टीकमगढ़ में तमाम दफ्तर ऐसे हैं जहां अफसर समय पर नहीं आते, लेकिन शिक्षा विभाग के दफ्तर में खुद डीसीपी ही समय पर ऑफिस नहीं आते हैं। इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई है। कोरोना संक्रमण काल में टीकमगढ़ शिक्षा कार्यालय के डीपीसी ऑफिस में 10% अधिकारियों कर्मचारियों को ही ऑफिस में बुलाया जा रहा है। ऐसे में टीकमगढ़ डीसीपी हनुमत सिंह चौहान सुबह के 11:40 तक ऑफिस नहीं पहुंचते हैं। ऑफिस के पंखे, ट्यूबलाइट, कुर्सी, मेज सब उनका इंतजार करते रहते हैं। डीपीसी अपनी कार्य प्रणाली को लेकर हमेशा से विवादों में रहते हैं। तमाम लोग उनसे मिलने के लिए चक्कर काटते रहते हैं। उनके समय पर ऑफिस ना आने को लेकर उनसे संपर्क की कोशिश भी की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की गई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।